यूपी में बीजेपी की शिकस्त के बाद अब बारी है हार के उन विलन को तलाशने की जिन्होंने अच्छे खासे समीकरण की ऐसी तैसी कर दी। हैरानी तो तब हुई जब वो लोग तक हार गए जिनके जिम्मे पार्टी ने करिश्मा करने का ठेका दे रखा था। परिणाम बता रहे हैं कि यूपी में स्वमान धर्जन भर मंत्री अपने अपने गढ़ को ही नहीं बचा पाए और प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री के होम ग्राउंड में बीजेपी चारों खाने चित हो गई। कैसे दिग्गजों ने डुबाई बीजेपी के लुटिया, इस दिखिए इस रिपोर्ट में। जिनके जिम्मे प्रदेश जिताने की जिम्मेदारी, वो अपने ही घर में हार गए। लगाते रह गए जीत का गुड़ा गणित, लेकिन बाजी विपक्षी मार गई। जिन हथियारों के भरोसे मैदान मारने की तैयारी थी, वो हथियार बीच लड़ाई ही फुस साबित हुए। जी हाँ, बीजेपी प्रदेश संगठन का हाल ये है कि बड़े बड़े दिग्गजों से सजी टीम भी बीजेपी की नाव को डूबने से नहीं बचा पाई। सारे शूटर फेल हो गए, सारे स्नाइपर निशाना चूक गए, और जिनके कंधों पर जिताने की जिम्मेदारी थी, वो पता नहीं कौन सी रणनीति पर चले कि खुद तो डूबे ही पार्टी को भी डुबा दिया। बात हो रही है बीजेपी संगठन के उन सूरमाओं की जो चुनाव पहले यूं बैठे थे मानो जीत की पुड़िया जेब में रखी है, बस चूरन की तरह गटक जाना है। लेकिन भैया, पब्लिक समझदार है। पब्लिक ने जब ईवीएम का बटन दबाया तो स्व नाम धन्य सूरमाओं की गर्दन दब गई और नतीजा सामने है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के गृह जिले मुरादाबाद में बीजेपी हार गई, तो संगठन महामंत्री धर्मपाल के गृह जनपद बिजनौर में आरएलडी को जीत मिली, लेकिन आसपास की सीटों पर करारी हार मिली। अमरोहा छोड़ बाकी सभी सीटों पर हार मिली। ये सीटें हैं सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना और संभल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र प्रयागराज और कौशाम्बी में भी बीजेपी पस्त रही। हैरानी की बात यह है कि यूपी सरकार के वो दिग्गज मंत्री जो अक्सर पार्टी फोरम में अपनी जातियों के वोटों की ठेकेदारी का दम भरते हैं, उनकी पोल भी इन चुनावी नतीजों ने खोल दी है। ऐसे दर्जन भर मंत्री हैं जो मंत्री सिर्फ इसलिए बने हैं क्योंकि उनका अक्सर दावा रहा है कि अपने जात के वोटों पर उनका एक छत्र राज्य है। मगर लोकतंत्र में जनता अक्सर मुगालता उतार ही देती है। वही हुआ इस बार के चुनाव में, तमाम मुगालते दूर हो गए क्योंकि इन मंत्रियों का रसूख और डींगे सब एक झटके में हवा हो गए। प्रयागराज की सीट नंदगोपाल गुप्ता नंदी नहीं बचा पाए, तो कैबिनेट मंत्री धर्मपाल आंवला सीट गंवा बैठे। कन्नौज से असीम अरुण का रसूख काम नहीं आया, तो ओपी राजभर और दयाशंकर सिंह बलिया और घोसी नहीं बचा पाए। यही हाल रावर्सगंज से मंत्री संजीव गौड़ और जौनपुर से मंत्री गिरीश चंद्र यादव का भी रहा। ये दोनों सीटें बीजेपी बुरी तरह हार गई। मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल की साख भी नहीं बच पाई, तो बलदेव सिंह औलख रामपुर से और ब्रजेश सिंह सहारनपुर से सीटें नहीं बचा पाए। छत्रपो के इलाके में बीजेपी की हार के लिए यूं तो जातीय समीकरण, विपक्ष के चेहरे और कई स्थानीय समीकरणों को जिम्मेदार कहा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी वजह उम्मीदवारों और क्षेत्रीय विधायकों के बीच तनातनी और संवादहीनता को माना जा रहा है। जनप्रतिनिधियों के इस आपसी टकराव ने भी बीजेपी की लुटिया डुबाने में अहम भूमिका निभाई। कुल मिलाकर अब ये वक्त हार की समीक्षा करने का तो है ही, साथ में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को मिट्टी का माधव बने नेताओं को भी निपटाना होगा, क्योंकि बिना बड़ा ऑपरेशन किए आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी की राह आसान नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।